अंग्रेजी में बोलते हैं प्लीज, आपका पहला मिस्टेक ये है, यू आर इन अ हरी. तो हाउ डू यू सॉल्व दैट, हाउ डू यू रेक्टिफाई दैट? आपको सिर्फ इतना करना है, डोंट बी इन अ हरी, थिंक एंड टॉक, लिसन एंड टॉक, ब्रीद एंड टॉक, प्रिपेयर एंड टॉक, ऑब्जर्व एंड टॉक, प्रैक्टिस एंड टॉक. मैंने एक उदाहरण पहले एपिसोड में दिया कि जब कोई आपसे पूछे वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, तो आप यस आई वॉन्ट ऐसा मत बोलिए. सुनते हैं आप, चार लोग जैसे बात करते हैं उसे आपने सुना है, आपने डिसाइड किया है यस आई वॉन्ट गलत है, यस गिव मी कॉफी गलत है, यस थैंक यू यह बेहतर है. आपने डिसाइड किया है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप समझ सकते हैं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, और योर ईयर्स आर एक्सपर्ट्स इन इंग्लिश, आपके कान जो है वो इंग्लिश में माहिर है. यू नो इंग्लिश, 80% इंग्लिश इन यू नो इन योर माइंड, यू नो इंग्लिश 80%, एंड यू कैन अंडरस्टैंड. जब लोग बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन रीड एंड राइट. कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आपको समझ आता है कि जब कोई बात करे, एंड यू नो हाउ टू रीड एंड राइट, एंड यू मेक शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस. आप जब मैं पूछूंगा व्हाट इज द टाइम, आप बोलेंगे 11 o'clock. जब मैं पूछूंगा वेयर डिड यू कम फ्रॉम, आप बोलेंगे होम. मैं पूछूंगा व्हाट टाइम विल यू गो टू योर ऑफिस, आप बोलेंगे 10 o'clock. ऐसा बोलेंगे आप. आप इंग्लिश में शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस में मैनेज कर सकते हैं. जब आप बोलते हैं तो आप ये जानते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो मैं मुझे क्या करना है, मुझे शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस में जवाब देना है. तो इसके साथ इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं, यू नो मोर देन 1.5 lakh वर्ड्स इन इंग्लिश. आप 1.5 lakh से भी ज्यादा वर्ड्स इंग्लिश में जानते हैं. इंग्लिश में 5 to 6 lakh वर्ड्स है, उसमें से आपको अगर 1.5 lakh वर्ड्स मालूम है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप बोलते हैं तो यू आर नॉट सर्चिंग फॉर वर्ड्स, बट यू आर नॉट एबल टू मेक सेंटेंसेस. आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में तकलीफ है, मगर रियलिटी तो ये है कि आपके माइंड में 80% इंग्लिश का नॉलेज आपको है. अभी देखिए, इतना रहने के बाद भी क्यों आप बात करने से डरते हैं? इतना होने के बाद भी, 80% आपके माइंड में रहने के बाद भी आप इसीलिए डरते हैं क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस. आपको एटमॉस्फियर नहीं है, यू डोंट हैव एटमॉस्फियर. आपने खुल के कैजुअली चार लोगों के बीच में इंग्लिश इस्तेमाल नहीं किया है, दैट्स ऑल. क्लासरूम के बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ आपने इंग्लिश बोला नहीं है. आप इंग्लिश यहां जानते हैं, जैसे साउथ इंडियंस है ना, हम हिंदी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर यहां नहीं, यहां हम बात नहीं कर पाएंगे. जब मैं दिल्ली जाऊंगा, जब मैं कहीं पे भी जाऊंगा, तो क्या होता है, तो जब मैं बोलता हूं ना, तो उनको पता चल जाता है, अरे ये साउथ इंडियन है, करेक्ट? क्योंकि हम सुनते हैं ज्यादातर हिंदी सुनते हैं, बोलते कम हैं. ऐसा ही आप जब इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं तो आप सुनते ज्यादा है. देखिए, जब आप इंग्लिश बोलेंगे, योर मदर टंग, यू नो अ लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए. प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.